शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। I love you, sir. हमने तुमसे झूठ बोला कि तुम हमारे बेटे नहीं, तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम हमारे बेटे नहीं हो। निकल जा यहाँ से, निकल जा। हमारा बेटा कुणाल है, कुणाल, कुणाल हमारा बेटा है, कुणाल हमारा बेटा है। वेद, वेद बेटा, बेटा, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी बेटा हमें माफ कर दे। किस किस बात की माफी मांगोगे? क्या करना चाह रहे थे? भगवान बन रहे थे? सबकी सबकी जिंदगी बदलना चाह रहे थे? अरे एक बार कह देते, आशी को उसका प्यार दिलाना है, मैं आपके साथ इस झूठ में शामिल हो जाता। खुद एक बार कह देते ताकि मुझे पता होता कि जो मेरी माँ है, माँ का प्यार, बहनों का अपनापन, सब सब झूठ, कुछ दिन का खेल है बस। क्या होगा जब माँ को पता चलेगा कि मैं उनका बेटा नहीं? माँ तो मेरा हाथ ही छोड़ देगा। बहने सब सब रिश्ते नाते तोड़ देगी। मेरे बाबा, जिनको मैंने अपना बाबा माना, मेरे कोई नहीं। एक बार कह दे बाबा कि सब झूठ था, कम से कम मेरा दिल टूटने का, रिश्ते टूटने का दर्द तो नहीं होता। और तो और मेरा प्यार, आप ही चुप चला गया, क्यों नहीं बोला पापा? मैं भी जैसे जैसे एक्टिंग आप कर रहे थे वैसे मैं भी कर लेता। मैं भी तो आशी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था ना, ये तो शादी कर रहा था ना। क्यों नहीं बोला पापा? क्यों नहीं बोला? बेटा बेटा, हम जानते हैं कि तुम आशी को बचाने के लिए हजार झूठ बोल सकते हो, लेकिन आशी को पाने के लिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। हमें मालूम है बेटा, कल हम भी क्या करें बेटा, हमने जो कुछ भी किया वो हमारी बच्ची के मोह में किया। हम तो बस ये चाहते थे कि आशी तुम्हारे साथ एक अच्छी खुश भरी जिंदगी बिताए। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। मेरी आशी बाबा, मेरी आशी मुझे बुला रही है, मेरी आशी।
आशी, आशी बस। अमित, जो हुआ तुमने सही नहीं किया। हमारी दोस्ती, दोस्ती से बंधा रिश्ता, यहाँ तक कि हमारी बेटी आशी, सबका मजाक बना दिया। और रिश्ते के साथ खिलवाड़, गलत किया, बहुत गलत किया तुमने अमित, बहुत गलत किया तुमने। जो भी हुआ, इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अब हम इस माहौल को बदल देंगे। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन हम वादा करते हैं, हम तुम्हें खुश रखेंगे और हम तुझे अपने गांव ले चलते हैं। तुम्हें खुश रखेंगे बेटा, तुम्हें खुश रखेंगे। जाओ अंकल, कुछ दिन के लिए ही सही, इस पनौती से पीछा तो छूटेगा। वैसे जिंदगी भर के लिए ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आशी कहीं नहीं जाएगी, ये इस घर की बहू है, कुणाल की पत्नी है, और अब इस घर की जिम्मेदारी उसकी है। वैसे विनोद, क्या कहा था तुमने, याद है ना, लड़की की डोली मायके से निकलती है तो ससुराल से अर्थी, याद है ना। तो आशी कहीं नहीं जाएगी, समझे? बस बोल दिया सो बोल दिया। माफ कीजिए अम्मा जी, हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। चला जी। नहीं, आशी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगा इस घर से तो ये लड़का, ये बहरूपिया जाएगा इस घर से। अब इस घर में कोई शादी नहीं होगी। अमृता, अमृता, आपने एक बार नहीं सोचा हमारे दिल पे